संगीत 12 सुरों का है। अगर उसको समझाया जाए तो सा रे ग म प ध नी, उसमें से सा और प ये एक ही हैं। दो रे, दो ग, दो म, दो ध और दो नी, इसकी गिनती करें तो वो 12 स्वर हैं। इसमें से हम 7 शुद्ध स्वर आज सीखेंगे। ये 7 सुरों के अपने अपने नाम भी हैं, जैसे हम सबके होते हैं। सा है षज, रे है ऋषभ, ग गंधार, म मध्यम, प पंचम, ध धैवत, नी निषाद। ये सुर कहाँ बजेंगे इस फ्रेटबोर्ड पर, वो समझने के लिए मैं चाहूँगी कि आप ये ऐसे स्टिकर्स लगाएं। आपको डेफिनेटली इसके डिस्टेंसेस बताऊँगी, क्योंकि ये ब्लाइंड इंस्ट्रूमेंट है और शुरुआत में नोट्स ढूंढने में बहुत तकलीफ होती है। तो दिस इज़ द सिंपल टेक्निक दैट वी विल यूज़ टू अंडरस्टैंड द बेसिक 7 नोट्स दैट यू विल प्ले ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट। तो अब हम सीखेंगे कि ये 7 शुद्ध स्वर हम वायलिन पर कैसे बजाएंगे। अभी हमने सीखा राइट हैंड से बोइंग होता है, जिससे वायलिन पर साउंड प्रोड्यूस होता है। लेफ्ट हैंड का यूज हम सुरों के लिए करेंगे जो नोट्स बजाते हैं। आपका पहला फिंगर, दूसरा फिंगर और तीसरा फिंगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे नोट्स बजाने के लिए। ये आपका प्लेइंग पोजीशन होगा। आपका हैंड आपके थाइस पर रेस्ट नहीं होगा और आपका जो पाम है वो ऐसे नहीं होगा, आपको ऐसे रखना है ताकि आपका पूरा हैंड फिंगरबोर्ड पर फ्लेक्सिबल रहे इन फ्यूचर। तो ये आपका प्लेइंग पोजीशन है। आपको आपका एल्बो थोड़ा अंदर लेना है, अगर आप बाहर लेंगे तो आप बजा नहीं पाएंगे। सो दिस शुड बी योर प्लेइंग पोस्चर। थोड़ा सा तकलीफ होगा, थोड़ा दर्द भी होगा, मगर वायलिन बजाना है, आपका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है, तो थोड़ी तकलीफ तो आपको उठानी ही पड़ेगी। पहले सा जो दूसरी स्ट्रिंग से बजेगा, आपकी लेफ्ट साइड से दूसरी स्ट्रिंग, पहली स्ट्रिंग है प, हम बजाएंगे सा। अब बजेगा रे, पहले फिंगर से जो मैंने मार्किंग किया है वो है हमारा रे दूसरी स्ट्रिंग पर। अब रे को वहीं रखते हुए हमको हमारे मिडिल फिंगर से बजाना है ग, जो है दूसरे स्टिकर पर। पहले हो गया रे, अब बजाएंगे ग। अब ग के बाद है म, हमारा जो तीसरा स्टिकर है वहां पर हमारा म बजेगा। सो इस तरह से रे ग, हमारा म है। इसके बाद प, प बगल वाली स्ट्रिंग पर बजेगा जो है थर्ड स्ट्रिंग। इसके बाद है ध, ध पहले स्टिकर पर, इसके पहले जहां पर आपने रे बजाया था उसी स्टिकर पर तीसरी स्ट्रिंग पर आपका ध है। इसके बाद है नी, नी है दूसरे स्टिकर पर जहां पर आपने पहले ग बजाया था वहीं पर आपका नी बजेगा तीसरी स्ट्रिंग पर।
पहले ध फिर नी। और फिर नी के बाद हमको सा बजाना है, जो म की तरह ही तीसरे स्टिकर पर, तीसरी स्ट्रिंग पर नी के ऊपर सा है। तो अब हम बजाएंगे सात सुर एक साथ।